हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने कर रहे थे क्लास 9 के लिए लेसन नंबर 9। अपना चल रहा था बल तथा गति के नियम। अपनों ने जो मेन मेन टॉपिक थे बल के बारे में पढ़ लिया था, गति के तीनों नियम जो वो पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे अपने संवेग संरक्षण की। संवेग संरक्षण जो है ना, ये गति का जो तीसरा नियम है, कल ही अपने पिछले वीडियो में किया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसी के अंतर्गत आता है ये, थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें, देखो। माना कि दो वस्तुएं ली हुई हैं। कौन कौन सी हैं? दो गेंदे हैं, ए और बी, उनका नाम दे दिया, जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है। ठीक है, द्रव्यमान को अपने एम से लिखते हैं, मास बोलते हैं उसको, तो इसलिए उसका एम ए और एम बी ले लिया। अब देखो, रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से क्रमशः, रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से, वेग क्या है, यू ए और यू बी से गति कर रही है। देखो इसको समझो, सरल रेखीय पथ है, एक पिंड ये रहा ए, दूसरा पिंड ये रहा अपने पास बी। ठीक है, कैसे गति कर रही है अपने पास, एक सरल रेखा में गति कर रही है, मतलब ये आगे जा रही है, ये इसके पीछे पीछे जा रही है। और दोनों का वेग क्या है, इसका यू ए है और इसका वेग क्या है, यू वी है अपने पास। ठीक है, यू बी। तो अब समझो कि दोनों जा रही हैं, अब इन्होंने क्या कहा, उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। देखो, इन पर कोई भी असंतुलित बल है वो कार्यरत नहीं है, मतलब बाहर से कोई भी बल इस पर नहीं लग रहा। ठीक है, ये अपने खुद के ही वेग से, फ्लो से जा रही है। देखो, माना यू ए यू बी, कैसे दे रखा है, यू ए बड़ा दिखा रखा है किससे, यू बी से, मतलब जो वेग किसका ज़्यादा है, ए का वेग ज़्यादा है किससे, बी से। अभी अपनों ने बात की कि यूँ इस सरल रेखीय पथ पर दो जो है पिंड गति कर रहे हैं, अगर इसका वेग ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी ये जाके इससे टकराएगा। अगर ये बी वाला जो अपने पास बॉल है ये तेज वेग से जा रहा है और ए वाले की गति क्या है अपने पास, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अपने क्या मतलब ये कभी भी पूरी ज़िंदगी में इससे नहीं टकरा पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि यू ए का वेग ज़्यादा होगा किससे, यू बी से। अब आगे देखो, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम देख लेते हैं अपने। ये देखो, एम ए एक गेंद है और एम बी गेंद है, ये यू ए वेग से जा रही है, ये यू वी वेग से जा रही है। ठीक है, ये तो था अपना पूरा इतना टक्कर से पहले कि एक सरल रेखा में अपने वेग से गति कर रहे हैं, उसके बाद दोनों टकरा गई। ठीक है, ए और बी आपस में टकरा गई। टकराने पे क्या होगा, देखो, ए टकराई बी से, ए ने किसको टक्कर मारी, बी को, लेकिन बी ने क्या किया, पलट के वापस भी तो टक्कर मारेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नया नियम चल रहा है कि अपने जितना बल लगाएंगे उतना बल, या जो भी क्रिया करेंगे उतनी ही प्रतिक्रिया अपने को वापस मिलेगी। देखो, एफ ए बी बल लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे वापस लगेगा एफ बी ए। ऊपर लैंग्वेज देखो इसकी क्या कह रहा है ये, माना कि टक्कर का समय क्या है, टी है, इस क्रम में गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती है, ए ने, ठीक है, किस पर बल लगाया, गेंद बी पर, कितना बल लगाया, एफ बी बल लगा दिया। अब गेंद बी ने ए पर बल लगाया, कितना लगाया, एफ बी ए, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से बल लगाया। अब दोनों की दोनों टकरा गई, टकराने के बाद गेंद ए और गेंद बी का जो वेग है वो चेंज हो गया, पहले क्या था यू ए यू बी, अब क्या हो गया, यू वी वी ए और वी बी हो गया। ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने कहा है कि जो समीकरण 9.1, ठीक है, से गेंद ए का संवेग टकराने के पहले और बाद में क्रमशः ऐसे हो जाता है। देखो, जो अपना संवेग है, संवेग बराबर क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, पी संवेग, एम द्रव्यमान और वी यहाँ पर हो गया अपना वेग, तो वही सेम है, संवेग क्या हो गया, एम ए यू ए, उसके बाद क्या हो गया, एम ए वी ए, टकराने के बाद चेंज हो गया इसका जो है वेग। देखो, संवेग में परिवर्तन की दर टकराने के समय कितनी होगी, देखो इन्होंने क्या कहा है, संवेग में परिवर्तन, अभी मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू, एक तो एम ए होता है, ठीक है, एक अपनों ने बात करी P इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है F इज इक्वल टू एम ए की। ठीक है, एम ए फर्स्ट जो A अपने पास बोला है उसका द्रव्यमान क्या है, एम ए, और यहाँ पे A का अपनों ने मान रख दिया, A बराबर क्या होता है, V माइनस यू अपॉन में टी, तो देखो यू ए माइन वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, इसका मान रख दिया, उसके बाद गेंद बी का निकाल लिया सेम एफ बी ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वेग चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो अपने नेक्स्ट टक्कर के बाद जो वेग था वो आ जाएगा। अब देखो, गति के तृतीय समीकरण के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी है, ठीक है, तथा गेंद बी के द्वारा लगाया गया बल कौन सा है, एफ बी ए, लेकिन एक दूसरे के बराबर तो है लेकिन क्या है, विपरीत दिशा में। अपनों ने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था
कि विपरीत समान बल लगता है, लेकिन लगता कैसा है? विपरीत दिशा में। इसलिए इसको कहाँ से अपने नेगेटिव माइनस के चिन्ह से इसको अपने शो करेंगे। अब देखो एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, एम ए बराबर वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। एफ ए बी का मान रख दिया और यहाँ अब पे एफ बी ए का मान रख दिया, जो भी ऊपर अपनों ने ज्ञात किया था। साथ में माइनस लग जाएगा क्योंकि क्या है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे अपने पास ये एक 9.7 जो है एक समीकरण अपने पास प्राप्त हो जाएगी। इसी समीकरण से न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना और इसको पढ़ लेना। अब आगे देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि टकराने से पहले गेंदे ए और बी का कुल संवेग, गेंद ए और बी का कुल संवेग कितना था, एम ए यू ए एम बी यू बी। देखो अपने ने ये समीकरण किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है इतना पूरा, ठीक है देखो इतना, ये इतना पूरा अपना क्या है, टकराने से गेंदों के टकराने से पहले का उसका संवेग है, और ये इतना गेंदों के टकराने के बाद का उसका संवेग है। तो वही ऊपर बताया हुआ है इन्होंने कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी तथा टकराने के बाद कुल संवेग कितना हो गया, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। पहले यू था वेग, बाद में वी हो गया, ठीक है। तो इस समीकरण से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो इन दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता, या कुल वेग संवेग जो है संरक्षित रहता है। देखो कोई बल इस पर अलग से कार्य नहीं कर रहा, तो ये अपने वेग से अपनी गति से चलती ही जाएंगी, और इनमें कोई भी इनके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा मतलब संवेग चेंज नहीं होगा, और संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, उतने का उतना ही रहेगा। आगे देखो और इन्होंने बताया हुआ है कि इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या रहता है, बराबर रहता है। क्योंकि बल कैसा लग रहा है, बराबर लग रहा है, लेकिन लग विपरीत दिशा में रहा है, इतनी सी बात है। तो जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। सिंपल सी बात है, संवेग नहीं बदलेगा, चाहे टक्कर से पहले का संवेग और टकराने के बाद का जो संवेग है वो बराबर रहेगा, तो वही क्या कहलाएगा, संवेग संरक्षण का नियम। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। देखो दो वस्तुओं का कुल संवेग, ठीक है, दो वस्तुओं का कुल संवेग लिया अपने, टकराई, टकराने की प्रक्रिया जो हुई है उसमें अपरिवर्तनीय रहता है, वो संरक्षित रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। देखो इसके बाद अपने क्या दिया हुआ है, ये अपने एग्जांपल दिए हुए हैं बस, ठीक है। आज का अपना जो चैप्टर था, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नाइन्थ जो अपना चैप्टर था उसमें सारे के सारे टॉपिक अपनों ने कर लिए हैं।